Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great, guys. So welcome to my another makeup video. So आप में से एक सब्सक्राइबर का मुझे कॉमेंट आ रहा था कि मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करूँ जो कि साड़ी के साथ हो. सो हेयर आई हैम आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए बोला. सो अगर आप में से भी कोई चाहता हो किसी भी तरीके का मेकअप लुक देखना, किसी चीज़ का हॉल देखना, रिव्यू देखना, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. मैं तो चाहती ही हूँ कि आप लोग मुझे बताओ और उन्हीं चीज़ों पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आपको भी देखने में मजा आएगा, साथ ही साथ मुझे बनाने में भी उतना डबल मजा आएगा. सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला आज का वीडियो अच्छा लगे. अगर अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, पता है ना, बड़ा सा लाइक कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन आएगा उसको भी जरूर हिट कर देना, साथ में एक बेल आइकन आएगा उसकी घंटी बजाना भी मत भूलना, उससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ओके, सो सबसे पहले गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ. टोनर अपने स्किन केयर में ज़रूर ऐड कर लो. टोनर से आपके पोर्स जो होते हैं वो टाइटन अप हो जाता है और आपकी स्किन बहुत ग्लोई हो जाती है, पीएच बैलेंस मेंटेन करता है. गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम मैं यहाँ यूज़ करती हूँ. दिस सिरम इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट फेस सिरम. आपके फेस को बहुत सिल्की स्मूथ टच दे देता है, साथ ही साथ बहुत डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपके फेस को ग्लोई बनाता है. बहुत 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 अच्छी स्किन हो जाती है इसके बाद, लाइक आपको आपके स्किन से प्यार ही हो जाएगा, इतनी अच्छी. सो हियर आई एम यूजिंग दिस कलर क्वींस की लिप बाम, टिंटेड लिप बाम है और लिप केयर भी उतनी ज़रूरी होती है जितनी स्किन केयर, इसलिए लिप बाम ज़रूर अप्लाई किया करो. मेकअप के लिए दिस इनसाइट का प्राइमर बहुत अच्छा प्राइमर है, अंडर 250 है, सिलिकन बेस्ड प्राइमर है. मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ में आपने मुझे ये यूज़ करते हुए देखा होगा, मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्ट कर देता है. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन सो दिस वन इज़ लाइक अ करेक्ट प्राइमर फॉर यू गाइज, ज़रूर ट्राई करना. ओके सर, आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, बहुत अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई अपने पूरे आईलेड एरिया पर मैंने अप्लाई किया और ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि हम आज डार्क कलर का आई मेकअप करने वाले हैं, तो इसलिए फेस मेकअप बाद में और आई मेकअप पहले. ये रहा SFR कलर्स का स्मोकी आई पैलेट, और इस ब्राउन कलर को लेके ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने आउटर वी पे और साथ ही साथ क्रीज एरिया पे सिंपली प्लेस कर रही हूँ. जूम करके दिखाती हूँ अभी आपको, देखो ऐसे सर्कुलर मोशन में ऑफर इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दैट सेट, और कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैंने जूम करके स्पेशली दिखाया है. दोनों आइज में आप डिफरेंस देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर मिल गया. एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस डार्क चारकोल ग्रे कलर फ्लैट ब्रश की हेल्प से, क्योंकि एक शिमर कलर है तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही आपको यूज़ करना है शिमर कलर, ब्लेंडिंग से बिल्कुल नहीं करना. और अगर आपको बहुत अच्छी पिगमेंटेशन चाहिए तो आप अपनी उंगलियाँ यूज़ कर लो यार, धमाल हो जाता है अगर शिमर कलर्स को अपनी फिंगर्स से अप्लाई करते हैं. देखा कितने अच्छे से लग गया. अभी छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश पे एक ब्लैक कलर लिया है और आउटर वी पे कुछ इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ. ध्यान रहे जब भी आप कोई डार्क कलर ले रहे हो, स्पेशली ब्लैक, तो एक साथ नहीं लेना है, धीरे धीरे करके बिल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ. और आप दोनों आइज में आप डिफरेंस देखो, कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है और कितना ज़्यादा सुंदर लुक आया है. सो दिस बर्गंडी शेड लेके एक छोटू से फ्लैट ब्रश पे, जो देखो मैंने कितना जूम कर करके दिखाया यार, अप्रिशिएट करो, एटलीस्ट लाइक कर दो मेरी इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इजी, सुपर डुपर इजी मेकअप लुक है और बहुत डिटेल में दिखाया है. तो जो एजेस थी सिर्फ उस पर ब्लेंड किया और आप देखो कितना सुंदर ट्रांजेक्शन आया है कुछ इस तरीके से. मेरे को तो अपना आज का लुक बहुत पसंद आया, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके जाना यार कैसा लगा कैसा नहीं. और अभी सेम बर्गंडी शेड लेके और फिर ब्लैक शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन पे मैंने स्मज कर दिया, ये ज़रूर किया करो, इससे आपका आई लुक कंप्लीट लगता है. और ब्लैक कलर ना यूज़ करके आज मैंने यूज़ किया वाइट कलर का आई पेंसिल फ्रॉम द ब्रांड स्टेकवर की, एंड दिस में भी इनका हाइपिकल मस्कारा, वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा, बहुत 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 पहले से, लाइक ये और मार्स वाला दोनों मेरा फेवरेट है. ये 350 तक आपको ईजिली मिल जाता है, बहुत अच्छा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको दोनों लैश में, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्ट भी बहुत करता है. अभी NYBA का लाइनर, ये लाइनर वाटरप्रूफ तो नहीं है लेकिन इसका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसका फिनिश जो है वो एकदम मैट आता है, तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत अफोर्डेबल है. बेसिक सा लाइनर ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैंने अच्छे वाले लैशेज अप्लाई कर लिए हैं.
सो दीज आर लैशेज आर फ्रॉम Amazon. सारे ही प्रोडक्ट्स के डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इफ़ इन केस यू वॉन्ट टू परचेज तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से ट्राई कर लेना. और लैशेज के बाद देखो कितना डिफरेंस आ जाता है ना यार आई लुक में. लाइक आई एम फॉल इन लव विद टुडेज आई लुक. इनसाइड का यहाँ HD ड्यूई फिनिश वाला मैंने लिया है फाउंडेशन और बहुत अच्छा फाउंडेशन है. इसका सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी. बहुत 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 ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अफोर्डेबल है. सो मैंने पूरे फेस पे अप्लाई करा और ब्लेंड कर रही हूँ अब विद द हेल्प ऑफ माय फ्लैट कबूकी ब्रश. और आप डिफरेंस देखो दोनों साइड में फुल 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 कवरेज प्रोवाइड करता है आपको. और वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है और अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए. तो कहाँ कहाँ अप्लाई करना होता है, ब्रिज ऑफ माई नोज़, अंडर आई एरिया, सेंटर ऑफ फॉरहेड और थोड़ा बहुत अराउंड माय माउथ. दैट्स इट. यहाँ यहाँ आपको करना होता है हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई. वेट एंड वाइल्ड का मैंने यूज़ किया बिकॉज इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है. एट द सेम टाइम ये अफोर्डेबल भी है. विद द हेल्प ऑफ माय ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग में आप लोगों को पूरा टाइम देना है. जितने अच्छे से आप लोग ब्लेंड करेंगे, चाहे आपका आई मेकअप हो या आपका बेस मेकअप, फिनिश लुक उतना ही प्रिटी आएगा. सो स्टे क्वर्की के कॉम्पैक्ट की हेल्प से अभी पूरा बेस जो है वो सेट कर लूँगी. इससे मेरा फाउंडेशन कंसीलर सब कुछ लॉक हो जाए और मेरे फेस पे क्रीजेस नहीं पड़ेंगे. गर्मियों में ऐसा ज़रूर किया करो, ज़रूर ज़रूर. और अभी दिस एसफा कलर की पैलेट, फेस पैलेट, इस पैलेट को भी आपने ऑलमोस्ट वीडियो में मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा. इससे ब्रॉन्जर शेड लेके मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक्स को कर रही हूँ ब्रॉन्ज. आपको पता है मेरे फेस पे ब्रॉन्जिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए मेकअप ट्यूटोरियल यूज़ किया है तो आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको नीड होगी. दैट्स वाई मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ करना होता है. हॉलोज ऑफ चीक्स पे, नोज़ पे और फॉरहेड पे. नोज़ पे तो मुझे भी करना पसंद है. अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हो. स्टिल मैंने तो आपको करके दिखाया ही है अगर आप करना चाहो तो. ओके, सो ये फेस पैलेट बहुत अच्छा है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है. और इसी में से मैंने लिया है ये ब्लश का शेड और हल्की सी स्माइल करते हुए एप्पल ऑफ माई चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ. और ये ब्लश बहुत 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 ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसका ये कोरल कलर जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है. मुझे पीची टोन के ब्लशेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. सो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाया, बहुत कम भी नहीं लगाया. इंस्टेंट ग्लो शिमर ब्रेक मैंने लिया है इसमें से ये सिल्वर शेड लेके अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़ पे हाईलाइटिंग कर रही हूँ. अच्छा, इफ़ यू आर बिगनर, मेकअप बिगनर, तो आप इस तरीके के ले सकते हैं शिमर ब्रेक. आपको एक ही शिमर ब्रेक में बहुत सारे शेड मिल जाते हैं, इससे अलग अलग लेने की नीड नहीं रहेगी आप लोगों को. सो अभी मैं अपने एप्पल ऑफ चीक्स, क्या बोलते हैं इसे, चीक बोन पे लिटिल बिट ऑन चिन, थोड़ा सा आईब्रो के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ. इससे आपका फेस बहुत ज़्यादा सुपर डुपर शाइनी लगता है. छोटू से ब्रश की हेल्प से आईब्रो बोन पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर्स पे भी. इससे आपकी आई लुक भी बहुत एनहांस लगती है और आई बहुत ब्राइटन अप सी लगती है. ओके, सो इनसाइड का मेकअप फिक्सर मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्ट बना देता है, मैट फिनिश देता है, पर इसकी स्मेल बहुत अजीब सी है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, अफोर्डेबल है. और यहाँ मैंने रैंडम लोकल मार्केट स्टोर से परचेज़ करी थी ये लिपस्टिक. इतना पसंद है मुझे इस टाइप के शेड कि मैं ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म ही कर चुकी हूँ इस लिप शेड को. सो आप अपनी फेवरेट कोई भी न्यूड शेड अप्लाई कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट लगने वाली है इस लुक के साथ. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये मेरा फाइनल फिनिश लुक. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट्स करना बिल्कुल मत भूल. Bye-bye. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.